आज कुछ बात करेंगे कि आम सॉइल और कंपोस्ट सॉइल में क्या फ़र्क है। देखिए, ये जो प्लांट्स उगे हुए हैं ये प्याज के हैं और ये कंपोस्ट सॉइल पे उगे हुए हैं। ये देखिए, अब ये बीजें तैयार हो रही हैं इनकी, प्याज की। फोकस, देखिए अब इनकी बीजें तैयार हो रही हैं यहाँ पे। ये इसकी बीजें हैं, यहाँ पे बीजें हैं, ये बीजें हैं। इनका रिज़ल्ट बहुत ही डिफरेंट आया है क्योंकि ये पोस्ट कंपोस्ट पे तैयार हुई हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी मैंने प्याज ही लगाई हुई है लेकिन ये सॉइल पर है, सिंपल सॉइल पर है। तो इनका रिज़ल्ट देख लीजिए, ये कितना बहुत बुरा तो नहीं है लेकिन बहुत ही चेंज है कंपेयर टू डेट वन। ओके, अब कंपोस्ट, अगर कंपोस्ट देखिए बनाना बड़ा आसान से काम है, कोई कचरा नहीं ऐड करना होता। सिंपल जो वेजिटेबल्स या फ्रूट्स का जो छिलके होते हैं, जिसको हम यूजुअली फेंक देते हैं किचन के वेस्ट में, जो बेसिकली वेस्ट मटेरियल कहलाते हैं, उनको ऐड करना है इस कंपोस्ट में। बनाने का तरीका मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, इसका तो ये कलर बता दे रहा है, इनके कलर बता दे रहा है। ये टूट गया, ये तो ये इसकी सब ईजी दिख सकता है। अब बनाना कैसे है कंपोस्ट, सबसे पहले जो कोई भी गमला हो उसको आपने सिंपल पुश करें, इसको अंदर डालना है अच्छे से ताकि इसकी मिट्टी वगैरह सब बाहर आ जाए। अब देखिएगा, हल रहा है कि ये इजीली बाहर आ जाए, कुछ टूटे फूटे ना। अब मैंने इसको निकाला, ये इसे मैंने निकाला है और ये इस फॉर्म में ये जड़ समेत सारी मिट्टी आ गई है मेरे पास। ये कंप्लीट सॉइल है, इसमें कोई कंपोस्ट इस वक्त नहीं है, लेकिन मैंने इसको कंपोस्ट में बनाना है। अब करना क्या है, सबसे पहले मैंने कुछ वेस्ट, किचन वेस्ट लिया हुआ है, शॉपर्स, कुछ छिलके हैं खरबूजे के, सब्जियों के, उनको रखना है। अब करना क्या है कि सबसे पहले देखिए लेयर्स बनानी है, मिट्टी का कम से कम इस्तेमाल करना है और इन वेस्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। सबसे पहले के नीचे जो तय होगी, सबसे नीचे वाली, कोशिश करें कि उसमें सिर्फ और सिर्फ घास हो, घास फूस मटेरियल हो। अब आई डोंट हैव मच ग्रास, तो सिंपल ये जो जंगली घास है इसको निकाल दीजिए, ये वाली, ये जो जंगली घास है इसको निकाल लेंगे। ओहो, ये तो पूरी बाहर आ गया। देखिए इसकी जड़ें कितने अंदर तक गई हुई हैं, हालांकि ये होता छोटा सा है, छोटा सा काम देखिए इसके, बहुत बड़े बड़े काम करता है ये। अच्छा जी, अब इसका जो रूट सेक्शन है उसको निकाल देना ताकि ये दोबारा ग्रो ना करना शुरू कर दे, ठीक है। इसका जो रूट सेक्शन है उसको निकालना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा। इसको मैंने काट के कर दिया और ये सारा फेंक दिया। तो सिर्फ मेरे पास इस वक्त सिर्फ ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। इसको पहले मैंने बिछा दिया नीचे ताकि ये आराम से रहे। उसके बाद कुछ मिट्टी डालनी है। ओहो, ये भी जड़ें, जड़ से बचना है, जड़ें नहीं डालनी है, मिट्टी कम से कम मिट्टी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। कम से कम मिट्टी का इस्तेमाल करना है आपने। अब क्या करना है, देखिए ये ऑटोमेटिक घास है, इसको मैंने जानबूझ के नहीं काटी थी, आज काम आई है। इसको ऐड कर दिया इस कंपोस्ट में, क्योंकि लेयर नीचे की आप चाहो तो पेजेस भी रख सकते हो, सिंपल जो पेज होते हैं, ठीक है। ये और घास आ गई, फ़ायदा ही फ़ायदा है। ये भी घास लगी हुई है बहुत सारी, जस्ट कट इट आउट। आ जाओ बच्चों, बहुत ही ज़्यादा है, आप क्या करें, और घास चाहिए, जागी जागी सोई ना मैं सारी रात तेरे लिए।
भीगी भीगी पलके मेरी उदास तेरे लिए। ओके तो अब करते हैं ऐड, घास को तो कर दिया ऐड, ठीक है घास अच्छे से ऐड हो गई है। अब कुछ किचन वेस्ट मटेरियल, वैसे यूजुअली अगर आप उसको छोटा छोटा करके डालेंगे स्मॉल पीसेस में तो बहुत अच्छा रहेगा, जल्दी काम करेगा, बट इस वक्त मेरे पास कैंची वगैरह है नहीं तो मैं बड़े मटेरियल में डाल दे रहा हूँ। अच्छा एक लेयर इसकी आ गई घास की, इसकी अब मुझे हल्की फुल्की मिट्टी चाहिए होगी इसके लिए, मेरे पास यहाँ पर मिट्टी है इसके, लेकिन अंदर जड़ें भी हैं तो मैंने जड़ों वाला पीस बाहर फेंक देना है, जड़ का मुझे काम नहीं क्योंकि दोबारा अंदर ग्रो करना शुरू हो जाएगी, ठीक है तो जड़ों को बाहर फेंक दिया। काम अपना होगा सिर्फ और सिर्फ इससे, इस मिट्टी को इधर रख दिया ताकि कीड़े ना लगें, मक्खियाँ मतलब मीन से मक्खियाँ वगैरह ना बैठें इसके ऊपर। ये ऐड कर दिया, अब करेंगे क्या, ये भी है मेरे पास, देखिए ये भी वेस्ट मटेरियल है मेरे पास, सिंपली आप इसको भी ऐड कर डालो बिना असर किए, मस्कल अंदर करो दबा दो मस्कल अंदर। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर सूखे पत्ते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा अगर सूखे पत्ते भी हैं, मेरे पास इस टाइम सूखे पत्ते हैं नहीं अनफॉर्चुनेटली, मैं वो ऐड कर चुका हूँ कहीं पे। ओहो और अब ये देखिए, ये मुझे आज तक नहीं पता था कि इसमें मैंने बहुत पहले एक बीज डाली थी खजूर की और ये यहाँ से ग्रो करना शुरू हुई है, ये देखिए यहाँ से ग्रो करना शुरू हुई है और ये रहा खजूर। चलो इसको नहीं छेड़ते हैं, अब इनका क्या करें, इनको तो निकालना ही पड़ेगा। बैठो ओए ओए, सारा ही गंदा हो गया, ये तो बाबूराव कहते हैं ये दीवानी मस्तानी हो गई, दीवानी 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 हो गई। तो ये पहला स्टेप हो गया कंप्लीट, अब इसके ऊपर और मैंने हल्की फुल्की मिट्टी भी रख दी है, मेरे पास पेजेस थे नहीं इस वक्त तो इस दफ़ा पेजेस नहीं रखे हैं, याद रखिएगा प्लास्टिक लोहा कोई भी सख्त चीज़ नहीं होनी चाहिए इसमें, सिर्फ यही चीज़ें रखनी है और अब इसको छोड़ देना है। टाइम टू टाइम पानी ऐड करते रहना है क्योंकि इसको पानी की ज़रूरत पड़ेगी और इसको फिर ढक देना है अच्छे से, कोई कपड़ा लगा दें
मैं वैसे यूजुअली कपड़ा ही लगाता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई पॉट होता नहीं है इसके ऊपर रखने के लिए। तो आप इस पे कपड़ा लगा सकते हैं, थैली लगा थैली से बंद कर सकते हैं ताकि बस इतना हो कि इसको हल्की फुल्की ऑक्सीजन मिलती रहे, और पानी टाइम टाइम इसको देना है बस, और कुछ नहीं। और यूजुअली कोई अराउंड 1 महीने में रिजल्ट इसके आना शुरू हो जाएंगे। वैसे 3 महीने लगते हैं प्रॉपर रिजल्ट आने में, लेकिन आप 1 महीने में आप इसको रिजल्ट आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी क्या क्या होता है। अब आगे कंटिन्यू करेंगे जब कुछ रिजल्ट आएगा। टेक केयर, गुड बाय।